तूफान कब आया था? 2019 जो यहाँ के जाने जाने मतलब बहुत ही मशहूर शख्सियत है और गोवा का कोना कोना भाई को पता है। आज एक बीच के ताल्लुक से बता रहे जहाँ पे पानी एकदम साफ रहेगा और मिट्टी कोई तो वाइट है। वाइट है। कौन सी बीच है? थोड़ा बोलिए रहे मोवा बीच। मोबर अच्छा वहाँ पे कॉस्टली है सब हर चीज। सब कॉस्टली है। अच्छा अच्छा एक पर नाइट कितना रहेगा वहाँ पे स्टे के लिए? स्टे के लिए 10,000 बहुत खुश हुए विपिन में आप हमारे लिए यहाँ पे आए। अगर कुछ और गाइड कर देंगे ना कल एक दिन हम लोग रहेंगे यहाँ पे, अगर कुछ आप लोग हमको गाइड कर दें या ऐसा रास्ता दिखा दें कुछ अच्छी चीज़ घूमने के लिए तो हम लोग इंशाल्लाह वहीं पे जाके कुछ ब्लॉग बनाते हैं हमारे व्यूवर्स को बताते हैं। कुछ ऐसी चीज़ है क्या जो कोई भी नहीं देख पाओला के लिए? वो ना पाओला ये क्या है? किंगडम का जो शूटिंग हुआ था ना ये वहीं पे है क्या? तो कल चलते हैं फिर। ठीक है तो गाइस कल हम विपिन जो गोवा में बहुत पहले से रह चुके हैं और इन सबको गोवा का कोना कोना तक पता है। इनका भी एक रिजॉर्ट है गोवा में, भाई के 2-3 रिजॉर्ट्स है और दीपक भाई के भी रिजॉर्ट्स है और भाई का इंट्रोडक्शन पहले ही बता दिया। विपिन भाई हैं और हमारे डेविड भाई हैं और दीपक भाई हैं। ये हम सबको लेके जा रहे एक ऐसी चीज एक्सप्लोर करने के लिए जो आज तक आप लोग नहीं जाने होंगे। तो चलिए हमारे साथ। दोस्तों हम लोग आए हुए विपिन भाई के रिजॉर्ट विजिट करने और देखते हैं कि कैसा है, क्योंकि हम लोग जहाँ पर रुके हुए थे वो तो बहुत प्यारा था तो हमने कहा चलो विपिन भाई का भी रिजॉर्ट देखते हैं। ये सब मेरा दोस्त लोग है, ये सब आपका रिजॉर्ट में भी, ये विपिन भाई का रिजॉर्ट है जो हम लोग यहाँ पे विजिट करने के लिए आए। ये देखिए आप, ये सामने ही बीच है। इधर से निकलेंगे तो आवाज़ें लहरें की आवाज़ें तो सुनाई देती होंगी आप लोगों को। ये भी एक रिजॉर्ट है जो हम लोगों को पाई जाती है। लोकेशन कौन सा है विपिन भाई? कलंगुट बाया के बीचों बीच, कलंगुट के बीच में एकदम। तो कभी भी आए तो एक मरतबा आप लोग भी विजिट ज़रूर करें। तो आगे बढ़ते हैं। और उसी रात में हम लोगों को विपिन भाई एक लोकेशन पे लेकर गए जो कलंगुट बीच के पास था। अभी वहाँ पे जा रहे हैं और इसके बीच में एक जो बहुत पुरानी मशहूर चर्च थी इसके ताल्लुक से तो मुझे नहीं बताया विपिन भाई ने, ये इसके ताल्लुक से डेविड भाई जानते थे लेकिन वो दूसरी गाड़ी पर मौजूद थे तो हम उसी तरफ से जा रहे थे। और गोवा के नाइट्स देख सकते हैं आप कितने हसीन और कितने, और डिनर भी नहीं किए थे हम लोग इसीलिए कुछ खा ले साथ में तो बेहतरीन वेज होटल ढूंढ रहे थे। और यहाँ पे काजू की तो बात ही मत कहो, हर जगह काजू ही काजू है माशाल्लाह से। यहाँ पे बहुत ज़्यादा काजू लोग सेल करते हैं और यहाँ पे टैटूज की दुकान और इसके उसके दुकान बहुत ज़्यादा हैं। और आपका भाई देख सकते हैं टू व्हीलर चलाते हुए गोवा में, ये डेविड भाई की गाड़ी थी और वही चला रहा था। मरवान भाई कैसा लगा रात में घूम के? तो बहुत बढ़िया लगा क्योंकि मैं गोवा में और मैं खुद परहेज हूँ नॉनवेज से, तो हमेशा मैं जब भी सफ़र करता हूँ तो सबसे पहले मैं वेज ही ये है क्या बोलते हैं इंक्रेज करता हूँ और मैं आज वेज ही खा रहा हूँ क्योंकि मुंबई तो हमारा शहर है, हम लोग जानते हैं मियाँ भाई के लोग जानते हैं लेकिन यहाँ का माहौल मुझे पता नहीं है तो हम टूरिस्ट से तो हम लोग वेज ही खाएंगे। अगर आप भी गोवा आएँ तो 2-3 दिन के लिए आएँगे ना तो वेज ही खाएंगे।
कृष्णा रेस्टोरेंट में हम लोग बीच हम लोग जा रहे हैं ना, एक डिफरेंट बीच है जहाँ पे नॉर्थ गोवा पे डेविड भाई बोल रहे हैं इनका सिस्टम यहाँ पे मौजूद है, और भाई कह रहे सीजन में यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह भी नहीं रहेगी, लेकिन इनका कुछ पर्सनल प्राइवेट एरिया है जो कलंगूट बीच में है, कोई इश्यूज नहीं होंगे। तो डेविड भाई हमको वहीं पे लेके जा रहे, देखेंगे उस प्राइवेट जगह में क्या है। अब हम कलंगूट के बीच के सामने मौजूद है, लेकिन विपिन भाई आप लोगों से कुछ कहना चाह रहे थे। पूरे गोवा का नंबर वन बीच कलंगूट बीच 24 होता है, किधर भी टाइमिंग रहता है 10-12 बजे तक, यहाँ पे 24। तो एक नई चीज हम लोगों को पता चला होगा, तो अब हम यहाँ पे जा रहे कुछ खाएंगे, यहाँ पे नेचुरल आइसक्रीम भी है, इंशाल्लाह हम लोग खाएंगे। यहाँ पे विपिन डेविड भाई कुरकुरे के मजे लेते हुए माशाल्लाह से, यहाँ समीर भाई सर्च कर रहे क्या खाना है। तूफान कब आया था? 2019 में बहुत डेंजर है। अच्छा ऐसा था, बोले तो फर्स्ट टाइम 20 साल के अंदर फर्स्ट टाइम हुआ। तो ये बोल रहे कि जो 2-3 साल पहले लॉकडाउन जो लगा था उसमें एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था कि यहाँ पे जब बारिश होने लगी, तूफान आने लगा, तो ये जो सारे यहाँ पे टेंट्स जो मौजूद है ये सब एकदम चितर बितर हो गए थे, उड़ गए थे। तो यही बोल रहे थे यहाँ देखने के बाद वो मंजर याद आया विपिन भाई को और डेविड भाई को, तो हम लोगों से शेयर कर रहे थे। अब देखेंगे और इनके जहन में क्या क्या चीज़ें आएंगी। के नेचुरल्स में कुछ बाइट ले ले हम लोग खाने के लिए, ताकि बहुत दिन हो गया है। आ जाओ ना था समीर भाई, भाई की इंग्लिश भी बढ़िया है भाई। कलेक्टिव ऑर्डर थैंक यू, कूपन दे दीजिए छोटा वाला। किसको किधर देना है? ज्यादा हमारे इधर बाजू में देने को नहीं हो रहा क्या? पॉलिसी है सर। फिल्स में मेरी फेवरेट आइसक्रीम थी टेंडर कोकोनट, बहुत मज़ेदार लजीजदार रहती है। आप भी एक बार ज़रूर विजिट करिए और ट्राई करिए। बाकी के फ्लेवर्स तो बहुत बढ़िया रहते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट जो है वो है टेंडर कोकोनट। तो हम वापस जा रहे थे क्योंकि हम लोग वहाँ पे देख के आए थे कृष्णा पे वेज अच्छा है या नहीं। तो बीच में देखा तो एक बहुत बड़ा बवाल हो गया था रास्ते पे, कि 3 कारें ऐसे ही रास्ते में रुक गए थे। भाई मुझे देख के डर हो गया क्या होगा आगे। तो उसके बाद हम लोग निकल चुके कृष्णा पे क्योंकि हम लोग खाना था खाना रात का, और अल्हम्दुलिल्लाह ये रात तकरीबन 12:30 बजे थी। तो अभी हम वेज खाने के लिए कृष्णा पे आए हैं, देखते हैं टेस्ट, आपको रिव्यू करते हैं कि अगली बार आप आके खा सकते हैं या देखते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए थे अपने रिजॉर्ट के पास, बहुत थक चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन खाना खाया हम लोग वहाँ पे कृष्णा पे, वेज पनीर बहुत बेहतरीन था, लजीज था। क्योंकि आपको बताया हूँ कि नॉनवेज नहीं खाता हूँ मैं, जब भी बाहर जाता हूँ जहाँ मुझे इत्मीनान नहीं होता वहाँ पे मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ। वैसे भी मैं परहेज चल रही है मेरी। तो गाइस हम फाइनली रिजॉर्ट पहुँच चुके हैं, तो अब हम सोने जा रहे हैं, तो अब बने रहिए, देखते रहिए।